लग रहा है पूरी बिल्डिंग एकदम ब्लैक ब्लैक शीशे टाइप और ब्लैक बनाई हुई है। एक क्रिसमस ट्री देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। नहीं आता है। इतना ही क्यों आता है? मैंने इतना ही याद किया है। इतना ही याद क्यों किया है? ये हमारे ऑफिशियल सेंटा क्लोज है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अथरा व्लॉग्स। होपफुली आप सोइंग योर डेज विद वीडियो। तो अभी जरा भाई दिन के गुड मॉर्निंग नहीं भाई दिन दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं एंड मैं रेडी वगैरह तैयार हो चुका हूँ। और अभी मेरे को जाना है गोवा स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है टोरंटो की, क्योंकि पहले तो मेरे को मेरी जो ऊबर वाली बाइसाइकिल है वो फटाफट जहाँ पे मैंने रखी हुई है, मेरा एक यूक्रेन का दोस्त बना है तो उस दोस्त के घर से उठा के मेरे को अपने अपार्टमेंट में रखनी है। एंड उसके बाद में आज है क्रिसमस भाई, सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस जो भी कैनेडा से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं थोड़े बहुत बंदे और जो बाकी इंडिया से देख रहे हैं। तो अभी मैं जाऊँगा और आज है ना भाई हम टोरंटो घूमने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन मतलब क्रिसमस इनका एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन ना पूरी तगड़े वाली वाइब होती है। तो अभी बिना देरी किए ना भाई फटाफट निकलता हूँ वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इस तुम्हारा भाई हो चुका है एकदम रेडी और अभी चलते हैं फटाफट से टोरंटो की अपनी। पहले यहाँ से एक नंबर बस पकड़नी है मेरे को, एक नंबर बस पकड़ने के बाद फिर मैं टोरंटो जाऊँगा, ठीक है। और बाहर हो रहा है भाई आज अब मौसम पता कैसा हो रहा है, हवा में पानी तैर रहा है, मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना वो तैर रही हैं इधर उधर। देखो कैमरा में वो देखो धुंधला सा हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है। तो ये फेस वैसे वो स्प्रे नहीं मारते थोड़ा थोड़ा स्प्रे की तरह, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी लगता रहता है, थोड़ी देर बाहर रहोगे ना मुंह पे पानी पानी सा हो जाता है। काफ़ी काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है। और ये देखो भाई हर जगह क्रिसमस की सजावट है, जहाँ जहाँ मतलब कैनेडियन फैमिलीज़ हैं लगभग क्रिसमस की सजावट की हुई है। और कुछ इंडियन फैमिलीज़ भी जो बहुत पहले से रहती हैं वो अपनी रूट से भी जुड़ी हुई हैं और नए कल्चर को भी एक्सप्लोर करती हैं भाई, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, सबकी रिस्पेक्ट करो, अपने कल्चर की भी दूसरों के कल्चर की भी, और मिलजुल के रहो भाई, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से अपनी बस चेक कर लेता हूँ कितने बजे आएगी। देखो गाइस हमें जुरासिक पार्क की जीप मिल गई भाई या कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि कनाडा में मॉडिफिकेशन अलाउड है, इंडिया में अलाउ नहीं है, इंडिया में लीगल नहीं है, यहाँ पर एकदम लीगल है भाई। मैं अपनी अपनी ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, मतलब मेरे नाम पर रजिस्टर नहीं है पर जिसमें मेरे को जाना था मैं उसमें चढ़ चुका हूँ। और पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, देखो कोई नहीं है अभी, मतलब यूनियन जाते वक्त कई बार खाली भी होती है, दिन की जो ट्रेन होती है ना खाली होती है, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, लोग लगभग सुबह ही काम चले जाते हैं या फिर कॉलेज इनको जाना होता है, ठीक है। और बाहर का मौसम उतरा था ब्लर के स्टेशन से और अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रीट कार से। ये स्ट्रीट कार जो होती है आप मूवीज़ में देखते थे, ये बाहर हमारा ब्लर का नज़ारा भाई एकदम, ठीक है। अब इधर से मैं जाऊँगा, पहले मेरी कार से क्लियर होगा, मेरे अपार्टमेंट में खड़ी करानी है मोटरसाइकिल खड़ी करके, फिर देखता हूँ फैमिले ट्रेन वाला दोस्त और हम लोगों को कहीं घूमने। अभी ना मेरे साथ तगड़े वाला स्कैम हो गया भाई, ठंड है मतलब ज़्यादा भी नहीं है नॉर्मल सी है बट फिर भी हाथों पे लगती है। और टिम हॉर्टन बैठने का ठिकाना होता है अपना, और लिबर्टी वाला बंदा है, ये वाला भी बंदा है भाई। अभी एक और है वो आगे वाला मैंने चेक किया, वो ओपन है, बस वो ओपन ही मिले तो ये अच्छा रहेगा, वरना भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और लाइक आज क्रिसमस है ना, मतलब आज यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली हैं, आई गेस सारे के सारे लोग हैं ना डाउनटाउन की तरफ जा रखे हैं, मतलब जितने भी भाई, मतलब इतना क्रेज भाई जैसे लॉकडाउन लग रखा हो भाई, बिल्कुल गिने चुने लोग दिख रहे हैं। अभी चलते हैं अपन भी डाउनटाउन की तरफ चलेंगे, संजय भैया भी आ रहे हैं, संजय भैया का मेरे को कॉल आ गया था, संजय भैया कहते हैं मैं तेरे को 2-2.5 घंटे में पिक कर लूँगा, तब तक मैं जाता हूँ टेम पर बैठता हूँ। सो गाइस अभी मैंने ना उस पर टिम हॉर्टन्स पे बैठे बैठे ना 4:30 बजा दिए भाई, क्योंकि भाई देखो यार सड़क बिल्कुल खाली है, इस साइड कोई भी नहीं है। अभी संजय भी आ रहे हैं बस 1 घंटे के अंदर अंदर और मेरे को पिक कर लेंगे जहाँ पे भी मैं आऊँगा। और आज हम जाएंगे डिस्टिलरी विलेज घूमने, वो मतलब काफ़ी फेमस जगह है, और कुछ तो ओपन मिला नहीं ना मेरे को, ईटन सेंटर जाता मैं उससे पहले, ईटन सेंटर भी ओपन नहीं है, और मेरी ट्रैम भी आ गई भाई फटाफट क्रॉस करके और बैठते हैं। स्ट्रीट कार पकड़ लिए, इसका भी सेम बस की तरह हिसाब होता है, $3.50 कटते हैं और 2.5 घंटे तक आपका आप कहीं पर भी टैप करो तो नहीं कटेंगे आपके। ये देखो और स्ट्रीट कार बहुत लंबी होती है, इनके बीच में ये लूप्स टाइप होते हैं, तो ये जहाँ भी घूमना होता है ना तो ये ट्रेन के डब्बे जैसे घूमते हैं ना, बीच में जॉइंट आता है, वैसे जॉइंट है वो हीट है ना, तो वैसे ये जॉइंट हो जाते हैं, और ये जहाँ पे भी इसको घूमना होता है वहाँ मुड़ जाती है, लेकिन मैक्सिमम ये बहुत स्लो चलती है, बिल्कुल स्लो, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते इसको,
हाँ कई बार खाली स्पेस और काफी तो गाइस अभी मैं अपनी उस स्ट्रीट कार से उतरा हूँ और मेरे को ये देखो यार कितना मस्त सीन लग रहा है। पूरी बिल्डिंग एकदम ब्लैक शीशे टाइप और ब्लैक बनाई हुई है। काफ़ी वो जो जेन्युइन वाली फीलिंग आती है ना वो आती है। अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, ठीक है, सिटी हॉल की तरफ। वहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह होती है जहाँ पे टोरंटो लिखा होगा, और वहाँ जाके थोड़ी देर वेट करूँगा। आधे घंटे में संजय भैया आ जाएंगे, संजय भैया मेरे को वहाँ से पिक कर लेंगे एंड देन वी कैन गो टू डिस्टिलरी विलेज। मिली गए इस कैनेडा के खोए हुए पे लोग मिल के सारे के सारे। भाई यहाँ पे भीड़ जमा हुई हुई है सिटी हॉल पे जहाँ पे टोरंटो लिखा हुआ है आइस स्केटिंग होती है। अभी वहाँ चलते हैं। संजय भी आप 20 मिनट में आ रहे कम से कम। फाइनली हमें अपने डेस्टिनेशन पे बढ़िया पे जाने चल रहे हैं। कॉपीराइट ना आ रहे बस। भीड़ देखो भाई क्या गजब भीड़ लगी हुई है। ये है सिटी हॉल। इधर तो एकदम तगड़े वाली भीड़ लगी हुई है भाई। क्रिसमस का इतना ज़्यादा चाय है ना भाई, देखो पूरा का पूरा भीड़ भड़ा के। अब यहाँ पे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे शोर है, लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ क्रैक कर रही है। बीच में मैंने चेक किया, अभी क्रिसमस ट्री की तरफ लेके चलता हूँ और वो दिखाता हूँ कितना सुंदर है। भाई सारे के सारे ग्रुप में घूम रहे हैं, मैं इधर अकेला घूम रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। पर संजय भी आ रहे हैं 20 मिनट में। संजय भी और उनके फ्रेंड्स हैं कुछ साथ में, तो वो आएंगे फिर हम डिस्टिलरी विलेज जाएंगे। यहाँ से मैं सोच रहा था आइस स्केटिंग करूँ पर बहुत भीड़ है भाई। मैंने स्केटिंग की हुई है नॉर्मल, तो ये बराबरी होगी लगभग मेरे को पता है, तो गिरने का डर है भाई तगड़े वाला। बार बार हजार बार लेकिन सीख जाते हैं, पर आज सीखने का मूड नहीं है, कभी और सीखेंगे जब कम भीड़ होगी यहाँ पे। एक क्रिसमस ट्री देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, वो बहुत बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा सजाया हुआ। ये बहुत दिनों से सजाया हुआ था क्रिसमस के लिए। ये सामने यंग स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये यंग डंडास स्क्वायर भाई, सबसे फेमस जो वो चौक है ना यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पे विराट कोहली आता है कई बार, सलमान खान आता है। पर आज 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 यहाँ पे सेंटा भी नहीं आया क्योंकि एक बार सलमान खान आ गया था स्क्रीन पे, तो सेंटा के डियर डरे हुए हैं सलमान खान भाई से कि क्या पता सलाम सलमान भाई। अरे आप सलमान खान को मत बोलो कुछ, देखो भाई क्यों भाई, मैं फैन हूँ, सच में फैन हूँ सलमान भाई का। हाँ सलमान भाई का चुलबुल पांडे। ओके आगे आगे नहीं आता। आगे क्यों नहीं आता, मेरे को इतना ही आता है। इतना ही क्यों आता है, मैंने इतना ही याद किया। इतना ही याद क्यों किया है। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे, पीछा छोड़ दे यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात खत्म। आगे से मैं कंप्लीट याद करूंगी जब याद करूंगी। वेरी गुड गर्ल। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डिस्टिलरी विलेज के पास में। मैरी क्रिसमस सर, सुना ही नहीं गंजे ने। और यार गलत बात है यार, हम आ चुके हैं गाइस डिस्टिलरी विलेज। हमारे साथ है ये रेड कलर के सेंटा क्लॉज। ये सारे संजय भैया के ग्रुप में है ना, संजय भैया की गैंग में है ये गैंग में आए। ये लड़ाइयां करते हैं, बंदूकें रखते हैं ये। और ये एक ये वो लड़के जिसको डिंकी पिंकी पोंकी आता है, इंकी पिंकी पोंकी। गोरे सोचेंगे हमें डोंकी। हाँ नहीं, हम नहीं है, तो फिर अपन ऐसे सड़क पे जाते जाते इनकी पिंकी पोंकी कर रहे हैं। और गाइस लास्ट में ये रह चुके हैं कि ये छोटी हाइट वाली लड़की नेहा कक्कड़। हेलो मिस नेहा कक्कड़, मैम ऑटोग्राफ। ओए ये क्या, ओए ओए ओए, वो देखो गोरा भाग गया यार। आज है ना मतलब मेन स्ट्रीट्स के, मैंने ठंड की बात करी नहीं, मैंने कहा स्ट्रीट्स खाली आज बहुत ज्यादा यार। अभी चलते हैं डिस्टिलरी विलेज दिखाएंगे आपको। आपको क्या दिखाएंगे, मैं भी खुद पहली बार ही देखने वाला हूँ। वैसे अभी हम पहुंच चुके हैं डिस्टिलरी विलेज भाई, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। इतना सन्नाटा क्यों है, आपको पता होना चाहिए ना भाई, बहुत सन्नाटा है आज। हम इसलिए सन्नाटा आप, अच्छा ठीक है, मेरे को लग रहा है आज हम आए हैं तो ही थोड़ा बहुत शोर होगा, वरना यहाँ सन्नाटा ही रहता है। बिल्कुल शांत है यार, ठीक है यार। लेकिन लाइटनिंग अच्छी है, भीड़ भी बहुत अच्छी है। सारे टोरंटो के लोग हैं ना आज यहाँ पे हैं और सिटी सेंटर के पास है। गाइस ये वाली लोकेशन है इनकी फोटोशूट की, यहाँ पे फोटोशूट करा सकते हैं। हमारे साथ सेंटा जी हैं जिनके साथ आप फोटो करा सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल सेंटा क्लोज हैं यहाँ के आज के, क्योंकि यहाँ पे आज कोई भी रेड ड्रेस में नहीं है इनके अलावा, ठीक है। तो ये है रेड ड्रैगन। कहाँ चले, कहीं कहाँ, हम कहाँ कहेंगे, हम तो कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाएगी। बकवास नहीं करनी, मेरा नाम पहले गजब बेइज्जती है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस डिस्टिलरी विलेज को छोड़ के अभी हम आए हैं खाना खाने लीला इंडियन फूड बार पे, क्योंकि अभी क्या है ना डिस्टिलरी विलेज शायद है ना 9 या 10 बजे तक चलेगा, तो तब तक है ना अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस डिस्टिलरी विलेज में तो कोई इशू चल रहा था यार, एक तो ये गाड़ियाँ, डिस्टिलरी विलेज में कोई इशू चल रहा था। बाय, इनको 1 घंटा हो गया भाई फोटो 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 फोटो, और फोटो कर रहा हूँ तो कह रहे हैं अच्छी नहीं है यार ऐसे उस पोज में। भाई कभी भी आऊंगा लड़कियों के साथ फोटो नहीं कराऊंगा, कभी नहीं, ना कभी लड़कियों की फोटो करूंगा। अच्छी नहीं खींचता नहीं तो फोटो, मैं अच्छी नहीं खींचता, ये बोल रही है ना ये बात, बिल्कुल भी नहीं, ये बात ये बोल रही है ना, मैं फोटो नहीं, ये इनका फोटो के बाद ये बोल रहे थे ना दोबारा फोटो, तो मेरा रिएक्शन था ना मेरे को सुनता है ना मेरे को दिखता है ना मैं बोल सकता हूँ। हाँ कुछ भी, वही ये कुछ भी कह रही थी, ये कुछ भी कह रही थी भाई, ये कह रही थी कि देखो फोटो नहीं आती, ऐसे कर वैसे कर, 5 फोटो कराइए, 10 फोटो कराई है इन्होंने, ठीक है ना। अभी हम दोबारा जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने, ठीक है। डिस्टिलरी विलेज में तो भाई लाइट बंद थी, अब पता नहीं क्यों ये सारे हंस रहे हैं, अब चलते और आइस स्केटिंग करते हैं, आज ट्राई करेंगे, बाकी पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। गाइस यहाँ पे भी स्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है भाई, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा तब जाके स्केट्स मिलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज दिखाऊं, मेरे से भी बड़ा ब्लॉगर आया आज, वो देखो सामने कितना बड़ा कैमरा है, मेरे से भी बड़े ब्लॉगर हैं भाई यहाँ, बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े माइक भी लेके आया, कैमरा भी है और कैमरा मैन भी है। लड़कियों के साथ कभी मत आना, लड़कियों के साथ आपको 2 ही चीजें मिलेंगी, या फिर ये देखो देख लिया भाई, लड़कियों की ना बातें समझ आएंगी ना कुछ, और इनकी सिर्फ पूरे दिन लड़ाई चलती रहेगी बस। तो भाई टोरंटो से अभी आ चुके हम वापस घर पे, और अभी बज रहे रात के 12, और मेरी थोड़ी बहुत जो बिल्कुल पैकिंग है ना वो बिल्कुल अभी डन करके, और कल सुबह सुबह मेरे को टोरंटो मूव हो जाना है अपने नए अपार्टमेंट में, तो एक नया फेज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, बस अभी ये कपड़े वगैरह धोने के लिए डालूंगा और ये धुल जाएंगे, फिर सुबह सुबह इनको निकाल लूँगा, तब तक अभी मैं ये सारी पैकिंग करता हूँ, अपने बैग्स वगैरह साइड में लगाता हूँ और सुबह निकलेंगे जल्दी। अभी मैं सारे के सारे कपड़े उठा लाया हूँ, सबसे पहले ये सारे कपड़े मैं डालूंगा वॉशर में, उसके बाद ड्रायर में, इसमें 1.5 घंटा लगेगा, इसमें 45 मिनट्स, 45 मिनट्स में कपड़े धो जाएंगे, उसके बाद भाई ये ठंडे होंगे, कूल होंगे, पहले ये कूल होंगे, फिर ड्राई होंगे, पूरे गर्म होके फिर निकलेंगे बाहर एकदम सूख के। अभी ये वीडियो मैं 4 से 5 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी 5 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन तो मैं सोया हूँ, अभी 5वें दिन मैं दिन में उठ के आज थोड़ी देर बाहर गया हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके आऊँ खाने पीने के लिए खुद के लिए, एंड ठीक है अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है, हाल देख सकते हो कैसा हो रहा है, बाल बुल भी और दाढ़ी शाड़ी मूवी, लाइक मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कब दिन हो रही है कब रात हो रही है, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा इंटेंस में ख़राब हो गई थी, पर मम्मी पापा से बात हो रही थी मेरी रेगुलरली, और संजय भैया बहुत केयर करते हैं मेरे साथ में, जो रूम वाला है वो बंदा भी काफ़ी अच्छा है, सो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर मी, काफ़ी अच्छे भाई सारे के सारे। एंड अभी मैं बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस व्लॉग को एंड करूँ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है बोलने को, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आज के व्लॉग में था इतना ही, अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।